हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पैंट का मेजरमेंट करना सीखेंगे। ये बिना प्लेट का पैंट है, क्रॉस पॉकेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्राहक को कहाँ पे पैंट लगाते हैं, ग्राहक वहाँ से पूछ लेंगे उनको ये कहाँ से पैंट लगाते हैं। तो ये पैंट आप कहाँ से लगाते हैं? वहाँ पे ठीक है लगाया हुआ पैंट आपका? ठीक है। तो ये ठीक है, तो यहाँ से ये जो बेल्ट है, जो साइड का जो ज्वाइंट आ रहा है, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के बेल्ट के बराबर से पैंट को ऐसे नापेंगे, ऐसे तान के लेके आएंगे नाप के। तो इनका लंबाई जो है 37 इंची है। उसके बाद में कमर नापेंगे। तो कमर नापने के लिए शर्ट को ऊपर कर लो, शर्ट ऐसे ऊपर करके एक कमर नाप लेंगे यहाँ से ऐसे। तो ये कमर है इनको, ये जो कमर इनका जो है ये 29.25 इंची है। तो आप ये फिटिंग ठीक है आपका कमर इसका? तो ये 29.5 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 29.25 भी कर सकते हैं आप। तो ये 29.25 है फिक्स नाप। तो ऐसे 29.25 इंची नाप लेंगे उसको सटा के। उसके बाद में यहाँ पे हिप नापेंगे। तो हिप ये पैंट का सेम नाप करना है। अगर फिटिंग में चाहिए तो आप ऐसे जितना, जैसे 32 आ रहा है तो एक उंगली एक अंदर तरफ ऐसे करके इसको नापेंगे, 32.5 इंची हिप आ रहा है। अगर पैंटी का मेजरमेंट करना है तो ये पैंट को ऐसे पकड़ के ऐसे तनखा के नाप लेंगे, तो ये 33.5 इंची आ रहा है ऐसे। उसके बाद में जांघ नापेंगे यानी थाई नापेंगे यहाँ से। तो ये थाई ऐसे पकड़ के ये बिल्कुल यहाँ पर सटा के ऐसे तनखा के नाप लेंगे, ये 20.5 इंची आया। ये थाई 20.5 इंची आ गया। उसके बाद में नीचे मोहरी नाप लेंगे। तो मोहरी ऐसे बिल्कुल बराबर करके मोहरी इनका 15.5 इंची है। ग्राहक से पूछ लेंगे आप 15.5 इंची ठीक है, अगर कम चाहिए तो 14.5 भी कर सकते हैं ग्राहक के डिमांड के हिसाब से। तो ये 15.5 इंची था, 15.5 इंची ऐसे नाप लेंगे। उसके बाद में यहाँ से इसका लटक नापेंगे यानी सीट नापेंगे। तो बिल्कुल ये देख लीजिए, ये जो पीछे ऊपर ये जो पैंट का जो जहाँ से बेल्ट है वहाँ से ऐसे बराबर करके आगे घूम जाओ, ये ठके ये जहाँ तक ये बेल्ट है इसका वहाँ तक ये नाप लेंगे। ये टोटल ये 23.5 इंची इनका ये लटक है। तो आप इसी तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।